पीडब्ल्यूडी नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ जनपद शाखा गोरखपुर के तत्वाधान में संघ कार्यालय लोक निर्माण विभाग परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने किया। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह, मंत्री ब्रजेश श्रीवास्तव, क्षेत्रीय महामंत्री अजय सिंह, उपाध्यक्ष विनोद राय, संगठन मंत्री रवि प्रकाश, संयुक्त मंत्री रामकराड़ कृपाशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष जवाहर सिंह, संपरीक्षक उमाशंकर दुबे सहित संघ के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीडब्ल्यूडी नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने कहा, हम अपने विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा किए और चर्चा में सर्वप्रथम हम अपने उस पुरानी मांग को प्रति अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है जिससे कर्मचारी कुंठाग्रस्त हो गया है और हम बार बार धरने के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से अवगत कराते आते हैं। जिस प्रकार से प्रदेश भर में सारे संवर्गों की पदोन्नति की जा रही है, वैसे फिर कर्मचारियों के भी पदोन्नत की जाए, लेकिन ये अधिकारी हमारे करते हैं तो आने वाले दिन में हम पीडब्ल्यूडी नियमित उच्चाय कर्मचारी संघ के बैनर तले जनपद की समस्याओं को लेकर आज बैठक किए हैं। जो समस्याएं आज दो वर्षों से लंबित हैं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समस्याओं का समाधान हुआ और कई बार मांग पत्र डाला गया, मांग पत्र पर चर्चा हुई, उन्होंने मांग पत्र को माना भी, आदेश भी किया, अधीक्षक अभियंता ने भी, गोरखपुर अभियंता ने आदेश किया और अशासी अभियंता के पटल पर जाकर हमारी समस्याओं को ज्यों के त्यों पड़ी रहती है। जबकि सारा समस्याएं हमारी शासनादेश के अंतर्गत है, शासनादेश के विपरीत कोई समस्याएं हमारी नहीं है। हमारे फील्ड में कार्यरत कर्मचारी 25 साल 30 साल हो चुके, एक भी कर्मचारी का पदोन्नत नहीं हो रही है। जबकि शासनादेश ये कहता है कि जितने भी कर्मचारी विभागों में, किसी विभाग में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका नियम से पदोन्नत हो जाना चाहिए। पहली बात, पीडब्ल्यूडी गोरखपुर में हमारे कर्मचारी की पदोन्नत नहीं हो रही है। दूसरी बात, हम 18 साल 20 साल की सेवा विभाग में किए, इस के सापेक्ष में किए थे कि हम जब परमानेंट होंगे तो हमारी सेवाओं को जोड़कर हमें पेंशन दिया जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा बार बार जो संगठन आवेदन देता है, गुमराह किया जाता है, साफ बताया नहीं जाता है आखिर मेरी सेवाएं जोड़ी क्यों नहीं जाती है। संगठन बार बार अनुरोध करता है और कोई स्पष्ट तरह से कोई बातें नहीं आती है कि सेवा क्यों नहीं जोड़ी जाएगी, जबकि ये स्पष्ट आदेश है कि 10 साल जिसकी सेवा पूर्ण हो गई है, माननीय राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट आदेश किया है कि उन्हीं को नियमित किया जाए। जब सरकार में बैठे राज्यपाल महोदय ने ये कहा कि जिसकी सेवा 10 साल हो जा उसकी ही नियुक्तिकरण हो जा, तो जो हम 10 साल के बाद नियुक्तिकरण हुए तो ईमानदारी से मेरी सेवा को जोड़कर मुझे पेंशन मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट, विभाग में हजारों आवास बने हैं, सबकी सहभागिता है और हर संवर्ग को मिलने की मिलना चाहिए और सबको मिलता भी है, लेकिन यही 15-20 आवास बने हुए हैं और वो 2 साल से बन के खड़े हैं और 2 साल बनने के बाद उसमें आवंटन में साल भर ढिलाई की गई जिसमें लाखों का राजस्व सरकार का नुकसान हुआ और करने के बाद अगर किया भी गया तो उस महोदय की देखकर और समानता देखकर और चहेतों को ओवरलोड कर दिया गया, फील्ड कर्मचारी को एक भी आवास नहीं दिया गया। यहाँ तक कि अब 2 आवास और खाली हैं और 2 साल से खाली हैं। हमारा मेट सबसे कृतज्ञ कर्मचारी जो मेट हमारा प्रावधान पर खड़ा है उसका 3,000 रुपये हाउस रेंट करता, अगर उसको भी दिया गया होता तो 40,000 रुपये एक व्यक्ति एक वर्ष में देता, 2 वर्ष में 80,000 रुपया राजस्व हान माननीय अशासी बनता निर्माण खंड द्वारा किया जा रहा। ये मनमाने तौर से प्रदेश को चलाया जा रहा, अधिकारी अपने मनमाने तौर से तुले हुए हैं। आज देश का प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम सारे काम कर रहे हैं हमारे अधिकारी, लेकिन गोरखपुर का अधिकारी कोई, हमारे विभाग का अधिकारी कोई ढंग से कोई काम नहीं करता। शोषण पर शोषण किया जा रहा, दबाया जा रहा, वो कहता हम जो कहते हैं वो सही है और सारे आदेशों को दरकिनार करके जिले को चला रहा और इस तरह से काम हो रहा है। ये कोई न कोई मानक है, न कोई व्यवस्था है, न किसी कर्मचारी, अभी शासनादेश हुआ कि सारे संगठनों की बात सुनी जा और सुनकर उनकी बातों का निस्तारण किया जा, लेकिन अभी तक न हमसे कोई चिट्ठी मिली, न कोई पत्र मिला, न कोई पूछा गया, न मेरे कोई समस्याओं का समाधान हुआ।